दरिया कांठे आवेलो सोमनाथ मंदिर में आपका स्वागत है। और हम लोग पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर के ठीक बाहर। पार्किंग में गाड़ी आपको यहाँ पे रखना होता है और 20 रुपया गाड़ी के पार्किंग का चार्ज है। यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। मंदिर उधर सामने है। मंदिर पे आपको बेल्ट कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हमारे कुछ आदमी बाहर खड़े रहेंगे और कुछ लोग हम अंदर जाएंगे, इसलिए कैमरा वहाँ तक तो ले लेते हैं। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। ये सोमनाथ का मंदिर का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर है। 2000 साल पहले इस मंदिर को गिराया, जितनी बार गिराया उतनी बार ये वापस बना दिया गया। और 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग ये है सोमनाथ का मंदिर। 1000 साल पहले अफगान शासक मोहम्मद गजनवी ने जब हमला किया तो इस मंदिर को तबाह कर दिया था, लेकिन फिर से इस मंदिर को बनाया गया। जितनी बार भी हमला हुआ लूट और धर्मांतरण के लिए किया गया। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन ये बहुत हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे भारत भर से। अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सोमनाथ मंदिर का भव्य नजारा। इधर समुंदर भी है पास में ही, तो समुंदर की साइड भी जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, आ चुके हैं मंदिर के ठीक सामने और बहुत ही जबरदस्त भव्य मंदिर नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे पूरी मार्केट है और यहाँ पे एक स्टेचू जैसा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए मंदिर ये रहा। तो अभी जाते हैं, थोड़ा और करीब से दिखाते हैं आपको सोमनाथ महादेव मंदिर। बहुत ही जबरदस्त। सोमनाथ महादेव जी मंदिर का दर्शन करके आ गया। ये बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिक ऐतिहासिक है। और मैंने यहाँ से एक बुक लिया था। एक बंदा है जो बाहर बैठा है। पैसा मेरे पास था नहीं, पॉकेट अंदर था, इसलिए मेरे को बोला तुम ले जाओ, आधा नहीं बाद में पैसा देना ईमानदारी से। तो अभी मैं उनको पैसा वापस देने के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। क्या हो जाएगा ये व्यवस्था, ठीक है। तो ये लिया मैंने एक इतिहास का किताब कि इस मंदिर के बारे में क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ जानने के लिए। वो हम पढ़ के बताएंगे बाद में आपको। तो अभी फिलहाल हम हैं सोमनाथ मंदिर के बाहर, मार्केट है वहाँ पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं समुंदर देखने के लिए। बहुत मज़ा आ रही है। समुंदर बहुत ही डरावना और बहुत ही भयंकर विशाल का है। तो एकदम ताज़ा ताज़ा हवा आ रही है, हवा आ रही खतरनाक। हमको तो देख के डर लग रहा था। अभी हम समुंदर के पास ही जा रहे हैं और मंदिर है ना, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार का मंदिर है। ऐसा मंदिर है, इतना विशाल का है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इसका लाइव प्रसारण भी होता रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ये है। तो यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। सो यहाँ पे कहाँ है भाई, गलत नहीं आगे इधर से चलते हैं। ये पानी को रोकने के लिए, जब बाढ़ से यहाँ तूफान आता है तो पानी समुंदर या गिरना हो, इसलिए ये बना रहे हैं। ये देखिए क्या बनाते हो भैया, इसको क्या बोलते हैं? स्टार ब्लॉक। स्टार ब्लॉक पानी को रोकता है। तो ये पूरा लगाओगे सब जगह पे? नहीं, सब जगह नहीं। वो मंदिर है, राम मंदिर है ना, हाँ हाँ, वहाँ से लेकर आगे तक। और ये क्या बन रही है? ये रोड बन रहा है। रोड, ओके। कितने साल से चल रहा है काम? 1 साल। कभी बाढ़ जैसा आया, पानी आया से? हाँ, कटाव के लिए, सेफ्टी के लिए, मंदिर के सेफ्टी। ओके। सो अभी आपने सुना होगा, हाँ जाओ ना, कि ये क्या करा रहे, स्टार ब्लॉक बना रहे हैं, पानी को कटाव ना हो इसलिए रोकने के लिए। ये बन रही है रोड मंदिर के ठीक पीछे से।